विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होने वाला है। सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए अनुरोध है कि राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। माननीय राज्यपाल जी, कृपया समारोह प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। माननीय राज्यपाल जी, आपकी अनुमति से मैं षष्ठम झारखंड विधानसभा के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ती हूँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड एक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल, झारखंड विधानसभा के सदस्य प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न होने तक अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने निमित्त नियुक्त करता हूँ। संतोष कुमार गंगवार, राज्यपाल झारखंड, रांची, दिनांक 3 दिसंबर 2024। ऑर्डर। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स वेस्टेड इन मी अंडर आर्टिकल 181 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई संतोष कुमार गंगवार, गवर्नर ऑफ झारखंड, अपॉइंट प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, मेंबर ऑफ झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज एज प्रोटेम स्पीकर till the election of speaker is over. Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand, Ranchi, dated 3rd December 2024. माननीय राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु मंच पर पधारेंगे। सभी से अनुरोध है कृपया शांति बनाए रखेंगे।
स्टीफन मरांडी, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद के को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं स्टीफन मरांडी, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड एक के अधीन सस्टम झारखंड विधानसभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। धन्यवाद महोदय। माननीय राज्यपाल जी, आपकी अनुमति से मैं मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ती हूँ। आदेश, आदेश संख्या वैधा 26/2024 3147 रांची, दिनांक 5 दिसंबर 2024। मैं संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित व्यक्तियों को झारखंड राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करता हूँ। श्री राधा कृष्ण किशोर, श्री दीपक बिरुआ, श्री चमरा लिंडा, श्री संजय प्रसाद यादव, श्री रामदास सोरेन, श्री इरफान अंसारी, श्री हफीजुल हसन, श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, श्री योगेंद्र प्रसाद, श्री सुदिव्य कुमार, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, संतोष कुमार गंगवार, राज्यपाल झारखंड। ऑर्डर नंबर वेधा 26/2024 3147 by GS
रांची डेटेड 5 दिसंबर 2024. आई संतोष कुमार गंगवार गवर्नर ऑफ झारखंड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स वेस्टेड इन मी अंडर आर्टिकल 164(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंट फॉलोइंग पर्सन्स एज मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ झारखंड स्टेट श्री राधा कृष्ण किशोर श्री दीपक बिरुआ श्री चमरा लिंडा श्री संजय प्रसाद यादव श्री रामदास सोरेन श्री इरफान अंसारी श्री हफीजुल हसन श्रीमती दीपिका पांडे सिंह श्री योगेंद्र प्रसाद श्री सुदिव्य कुमार श्रीमती शिल्पा नेहा तिर्की संतोष कुमार गंगवार गवर्नर ऑफ झारखंड माननीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु मंच पर पधारेंगे मैं राधा कृष्ण किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राधाकृष्ण किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री दीपक बिरुआ जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे।
मैं दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री चमरा लिंडा जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। लिंडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतर्करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चमरा लिंडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री संजय प्रसाद यादव जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं संजय प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की अभूता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतर्करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समक्ष निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्येक अथवा अप्रत्येक रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री रामदास सोरेन जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं श्री रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतकरण के से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय रखूंगा। मैं श्री रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाहक के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
जी धन्यवाद। श्री इरफान अंसारी जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं इरफान अंसारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं इरफान अंसारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संवेग निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री हफीजुल हसन जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु कृपया पधारेंगे। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हर्फ लेता हूँ। मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि
आईन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के तई सदाकत और ईमानदारी रखूंगा। रियासत झारखंड के वजीर के हैसियत से मुझे जो फर्ज सौंपा जा रहा है उसे वफादारी और फर्ज सनासी के साथ अंजाम दूंगा, और यह कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिना किसी खौफ या जानबदारी या अदावत के आईन व कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूं, मैं सच्चाई व ईमानदारी के साथ अहद करता हूं कि झारखंड के वजीर की हैसियत से मैं बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी शख्स या इस खास को किसी मामले में जो मेरे जेर गौर लाया जाए या जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर के इल्म हो कि इतला किसी को नहीं दूंगा या उसको जाहिर नहीं करूंगा, सिवाय ऐसी सूरत में जबकि मुझे बतौर वजीर फराइज के बाजाबता सरे अंजाम देही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह मैडम से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं दीपिका पांडेय सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दीपिका पांडेय सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।
श्री योगेंद्र प्रसाद जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं जोगेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्य श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं योगेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सुदिव्य कुमार जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं सुदिव्य कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुदिव्य कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं शिल्पी नेहा तिर्की ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं शिल्पी नेहा तिर्की ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सामायिक निर्वाहन के लिए ऐसा कारण करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। उसके साथ है, इसके बाद सब सब लिखा हुआ है, सब चीज लिखा हुआ है। माननीय राज्यपाल जी, कृपया समारोह के समापन की अनुमति दी जाए। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। अध्यक्ष तथा नवनियुक्त मंत्री परिषद के सदस्यों से अनुरोध है कि वे मंच पर ग्रुप फोटो के लिए पधारेंगे। मैडम मुख्यमंत्री जी से भी मेरा सादर अनुरोध होगा कि वे मंच पर फोटो हेतु पधारेंगे।
उधर से चले जाए।